गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज 4, एग्जांपल नंबर यूनियन 5। फाइंड के इफ छोटा पहला प्रॉब्लम, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय 3x² प्लस kxy माइनस y² इक्वल टू 0 इज 0। यानी सम ऑफ स्लोप्स कितना है 0, यानी m1 प्लस m2 0 है। इसमें m1 इंटू m2 निकालने की जरूरत नहीं है, m1 प्लस m2 सफिशिएंट है। तो जब भी होमोजीनियस इक्वेशन दिया रहेगा, पहला काम कंपेयर इट विथ अवर स्टैंडर्ड होमोजीनियस इक्वेशन। सो कंपेयरिंग 3x² प्लस kxy माइनस y² इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू 3, twice x is equal to k and b is equal to minus 1। कुछ नहीं, यानी ये minus sign को भूलने का नहीं, b is equal to minus 1। Now, जैसे ही homogeneous equation मिल गया, क्या देता है? Two lines passing through the origin, उनके slopes कौन? m1 और m2। मम्मी, 200 रुपए, क्यों? क्या लाना है? बिग बाजार से दो चीज लेके आऊंगा। आज 200 रुपए मांगेंगे, 100 रुपए मांगेंगे। वेरी गुड आंसर, 100 रुपए मांगेंगे, क्योंकि m1 into m2 की जरूरत नहीं है। व्हाट इज m1 प्लस m2? व्हाट इज m1 प्लस m2? माइनस 2h upon b। आई रिपीट, m1 प्लस m2 माइनस 2h upon b। अब माइनस 2h यानी माइनस ऑफ k अपॉन माइनस 1, यानी कितना हो गया? कितना हो गया? k। सो m1 प्लस m2 k आया, बट उन्होंने क्या बोला? सम ऑफ द स्लोप्स is zero। Sum of the slopes is zero का मतलब होता है m1 plus m2 is equal to zero। Therefore, k is equal to zero is the answer। Now in this third example, there is a printing mistake in your book। उसमें change करो। किताब में उन्होंने 5x² दिया था, यहाँ 3, 4 और 5 दिया, एक भी k नहीं है, और बोलते हैं find k। सो प्रिंटिंग मिस्टेक अपने ढूंढ के निकाली, एंड वी फाउंड दैट इंस्टेड ऑफ 5 यू हैव टू राइट k। ये प्रिंटिंग मिस्टेक चेंज कर देता, यहां 5 की जगह क्या लिखो? k। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड k इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय 3x² माइनस 4xy प्लस ky² इक्वल टू 0 इज 1। यानी ये क्या देता है? बिल्कुल सही है, टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसमें से एक का स्लोप कितना है? 1 है। वेरी गुड। तो ऐसे केस में क्या करना? कभी भी एक स्लोप दिया रहेगा, गो फॉर ऑक्सिलियरी इक्वेशन। मिस्टर स्ट्यू फ्रॉम जर्मनी, उसको याद करने का। इसको कंपेयर किया मैंने अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ए आएगा 3, ट्वाइस एच इज माइनस 4, बी इज इक्वल टू के, करेक्ट है? A is equal to 3, twice x is minus 4, b is equal to k। It's auxiliary equation, bm square, then bm square plus 2hm plus a equal to 0. Very good. Auxiliary equation is bm square plus 2hm plus a equal to 0. ये देखो, bm square plus 2hm plus a equal to 0. This is nothing but a quadratic equation in m, 10th standard का। ये दो स्लोप्स देता है m1 और m2, जो ये लाइंस के स्लोप्स रहते हैं, और उसमें से एक स्लोप कौन है? m = 1। यानी वो स्लोप m = 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वेरी गुड। तो ये आ गया आपका, पहले लिख के ऑक्सिलरी इक्वेशन, kn² b यानी कौन? kn² प्लस ट्वाइस एच एम यानी माइनस 4m प्लस k यानी 3। ये एक तरीका है, ऐसा फॉर्मूला लिख के याद रखेगा। दूसरा अपना तरीका है, कुछ नहीं है, उधर से लिखना चालू करो k और y को पकड़ो m, y² इज m² आई रिपीट, y को m, तो y² m² y³ होता तो m³, x को पकड़ो 1, तो x² कितना हो गया? 1² यानी कौन? 1। सो क्या करना? y यानी m, x यानी 1, खत्म। y यानी m, x यानी 1, y² यानी m² इसीलिए कैसा आएगा? kn² ये देखो, kn² आ गया।
माइनस फोर एक्स एन ए वन वाई एन एम माइनस फोर एम करेक्ट है प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर इज वन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. दिस इज द ऑक्सिलियरी इक्वेशन ऑफ द गिवन होमोजीनियस इक्वेशन. अब स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज गिवन टू बी वन. That means I should put m is equal to 1 in equation 1. So m की जगह 1 डाला, k into 1 का whole square minus 4 into 1 plus 3 equal to 0, k minus 1 equal to 0 and therefore answer is बोलो final answer is nothing but sada k is equal to 1. I repeat, final answer is k is equal to 1. Final answer is k is equal to 1. That's all. Miscellaneous exercise 4, 5, find k if slope of one of the lines given by 3x square plus 4xy plus ky square equal to 0 is 3 times the other. First thing, I should compare the given homogeneous equation with our standard ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. What we get? A is equal to 3. Very good. Twice h is equal to 4. H ki zero nahi. Twice h rahen do. And b is equal to k. Now, let m1 and m2 be the slopes of the lines represented by the homogeneous equation 1. Let m1 and m2 be the slopes of the lines represented by the homogeneous equation 1. Then, me, 200 rupaye. कहाँ जाना है? बिग बाजार. क्या लेके आएंगे? m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b and m1 into m2 is equal to a upon b. m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b यानी minus of 4 upon k. Minus 4 upon k. m1 into m2 is equal to a upon b. 3 upon k. 3 upon k. Equation A and equation B. Now what is given? Slope of one of the lines is 3 times the other. Slope of one of the lines is 3 times the other. So let m2 is equal to 3m1. Let m2 is equal to 3m1 given. So put c in equation A and put m2 is equal to 3m1 in equation A. Now equation A kya hota hai dekho. M1 will be m1 plus what is m2? Correct, 3m1. Is equal to minus 4 upon a. Minus 4 upon k. What is m1 plus 3m1? 4m1. 4m1 is equal to minus 4 upon k. Ye 4 aapas mein cancel. M1 is equal to minus 1 upon k. Bilkul sahi hai. M1 is equal to minus 1 upon k. Equation number D. Aur kya hai? Put m2 is equal to 3m1. अब ए में डाला ना, अब बी में भी डालना इमीडिएटली. जो कंडीशन है पहले ए में डालना फिर बी में डालना. पुट m2 is equal to 3m1 in equation b. इक्वेशन बी में m1 कौन है? m1. वेरी गुड. m2 कौन है? 3m1. तो ये हो गया m1 into 3m1 is equal to 3 upon k. इक्वेशन बी हो गया. m1 into 3m1 यानी 3 times m1 square is equal to 3 upon k. अब इसकी वैल्यू डालो आप. ये 3 कैंसिल हो गया. ये 3 आपस में कैंसिल हो गए. सो m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन k. बट व्हाट इज m1? माइनस 1 बाय k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय k. 1 अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय k क्रॉस मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू k स्क्वायर. k स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0. So k in bracket k minus 1 equal to 0 and therefore k is equal to 0 and k is equal to 1 is the answer. Option में जो भी रहेगा या 0 1 रहेगा तो 1 को टिक मार करो या दोनों है तो दोनों को टिक मार करो. क्योंकि k is equal to 0 यहाँ डालने से भी अपने को homogeneous equation 2 lines दे रहा है. So next example number 12. Concept exercise, sorry, miscellaneous exercise 4. Example number 12. If the line 4x minus 5y is equal to 0,
coincides with one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, then show that 25a plus 40h plus 16b is equal to 0. Now, question क्या है? ये homogeneous क्या देता है? Concept. Homogeneous equation क्या देता है? Two lines passing through the origin. Homogeneous equation का auxiliary equation क्या है? Bm square plus 2hm plus a equal to 0, which is nothing but a quadratic equation in M. उसमें से एक लाइन कौन है? 4x minus 5y equal to 0. एक लाइन अगर मिल गई है आपको, तो कुछ मत करो आप, उस लाइन का स्लोप निकालो, उसको आप auxiliary equation में डाल दो, आपको k मिल जाएगा, कंडीशन मिल जाएगी, कंडीशन मिल जाएगी. Auxiliary equation of the given homogeneous equation is bm square plus 2hm plus a equal to 0. दो तीन बार बोलो. Auxiliary equation bm square plus 2hm plus a equal to 0. Auxiliary equation bm square plus 2hm plus a equal to 0. Slope of the line 4x minus 5y equal to 0 is, slope का formula क्या है? Minus of coefficient of x upon coefficient of y. Very good. Minus of coefficient of x upon coefficient of y. Then minus in bracket 4 upon minus 5. That is nothing but 4 upon 5. अब ये m is equal to 4 by 5 जो रहेगा, वो इस auxiliary equation का एक root रहेगा. यानी ये value इस auxiliary equation को satisfy करेगी. तो put m is equal to 4 upon 5 in equation 1, we get b into m square and equal 4 by 5 का whole square plus twice hm and 4 by 5 plus a equal to 0. So this is b into 16 by 25 plus 8h upon 5 plus a equal to 0. Multiply both sides by 25. तो ऊपर बचेगा 16b, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 एक कटेगा, एक 5 ऊपर रहेगा, 48 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी 25a रहेगा is equal to 0. Write the term of a first, so this is 25a plus 40h plus 16b is equal to 0 is the required answer.